पड़ता है। सागर से खबर बता दे, बैंक मैनेजर का धमकी देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में किसान को धमकाते हुए ये बैंक मैनेजर आप देख सकते हैं, कस्टमर से खुलेआम अभद्रता करते हुए बैंक मैनेजर को देखा गया। पीड़ित किसान ने एसडीएम और थाने में अब इसकी शिकायत दर्ज कराई है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में इस अफसर ने किसान से अभद्रता की। राहतगढ़ के पंजाब नेशनल बैंक परापरी कला ब्रांच का ये पूरा मामला, जब बैंक मैनेजर ने एक किसान को धमकी दी, किसान को धमकाते हुए इसका वीडियो भी वायरल हुआ। कह रहा कि तुम तो हमारी फाइल दो, आप घर को काम है आज का नहीं दो। आप कह रहे हो उनसे के झापड़ा मार रहे हैं, पत्थर को साहब चले आओ प्लीज, हमें मूड खराब हो जाए उसके पहले आप भी चले आओ। ठीक है, जब हम बता रहे हैं, जबरदस्ती समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब हम क्या करने लगे जा बताओ आप। नहीं तो गालियां मालियां कस्टमर देहा को है सर, सब अनपढ़ है, तो सही कर रहा है। आपको भी समझा दे, उनको भी समझा दे, अब हम क्या करें। नहीं तो गालियां मालियां कह रहा कि तुम तो हमारी फाइल दो, आप घर को काम है आज का नहीं तो आप कह रहे हैं उनसे के झापड़ा मार रहे हैं, पत्थर को साहब चले आओ प्लीज, हमें मूड खराब हो जाए उसके पहले आप। ये वीडियो आपको उस वक्त का दिखा रहे हैं जब बैंक मैनेजर किसान को धमका रहा था, कस्टमर से खुलेआम अभद्रता की जा रही थी। पीड़ित किसान ने फिलहाल इस मामले की शिकायत एसडीएम और थाने में दर्ज कराई है। अब देखना ये होगा कि बैंक मैनेजर के साथ क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है। राहतगढ़ के पंजाब नेशनल बैंक परासरी कला ब्रांच का ये पूरा मामला है। ये वीडियो किसान ने बनाया जब ये बैंक मैनेजर उसे धमकी, इस बैंक मैनेजर ने कहा कि मूड खराब करने से पहले यहाँ तो कस्टमर से खुलेआम अभद्रता करते हुए ये बैंक मैनेजर देखा गया। पीड़ित किसान ने फिलहाल एसडीएम से शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना ये होगा कि बैंक मैनेजर पर क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाए। कस्टमर देहात को है सर, सब अनपढ़ है, सही कर रहा है। आपको भी समझा दे, उनको भी समझा दे, अब हम क्या करें। नहीं तो गालियां मालियां कह रहा कि तुम तो हमारी फाइल दो, आप घर को काम है आज का। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बैंक मैनेजर को एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है बैंक को मैनेज करने की, उनके जो भी कस्टमर्स है उनसे डील करने की, उनकी सारी समस्याओं को सुलझाने की। लेकिन अगर बैंक मैनेजर के ही ऐसे तेवर देखने को मिलेंगे तो जो पीड़ित किसान है, जो किसान वहाँ के कस्टमर है, उन वो कहाँ का दरवाजा खटखटाएंगे, ये बड़ा सवाल उठता नजर आता है। जी मनीष, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी शिवांकर जी, मनीष मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगी कि अगर बैंक मैनेजर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और अगर वो ही अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा बिहेवियर रखेंगे, ऐसे तेवर रखेंगे, तो आखिर जो कस्टमर है वो कहाँ का दरवाजा खटखटाए। जी बिल्कुल, ये घटना बहुत ही दुखद भी है। और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में, आपको बता दूं, राहतगढ़ से लगा हुआ एक गांव है नजदीकी, वहाँ की ग्रामीण ब्रांच है। और जो किसान है वहाँ के, अमूमन जो ज्यादातर किसान होते हैं वो इतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो उतने अवेयर भी नहीं होते हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है बैंक ब्रांच की, खासकर जब ब्रांच मैनेजर हो तो उनको पूरा प्रबंधन उनको अपने हाथ में रखना पड़ता है और एक सॉफ्ट स्किल उनको रखना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं और जिस तरह की अभद्रता और गाली गलौज बैंक मैनेजर कर रहे हैं, ये निश्चित ही अमानवीय यही व्यवहार है। हालांकि जो किसान, जो पीड़ित किसान है, किसान ने शिकायत जो स्थानीय सरपंच है उनसे की थी, और जो हमारी बात हुई, सरपंच जो है खुद उनसे बैंक मैनेजर से शिकायत लेकर गए थे कि आप अभद्रता कर रहे हैं। तो बैंक मैनेजर की आप अभद्रता की पराकाष्ठा देखिए कि उन्होंने सरपंच से के सामने भी स्वीकार किया कि हाँ मैंने उसे गाली गलौज की और वो सामने आएंगे किसान तो मैं उन्हें मारूंगा भी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये बहुत एक अपराध बोध होना चाहिए, लेकिन उनमें शर्मिंदगी की जगह वो उसको स्वीकार भी कर रहे थे। हालांकि जो किसान है, आपको बता दूं शिवाजी का, कि आज ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और एसडीएम और पुलिस जो वहां पर टीआई है, थाना प्रभारी है, उनको भी शिकायत कर रहे हैं किसान। जी शिवाजी का जी, तो अब किसानों ने एसडीएम और थाने में शिकायत इसकी दर्ज कराई। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस बैंक मैनेजर पे की जाती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत